प्रीवियसली आपने स्टडी किया फूड चेन के बारे में, जो कि एक लीनियर सीक्वेंस है, एक लीनियर अरेंजमेंट है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स का. तो अभी हमने बात की कि एक फूड चेन जो है दैट इज अ वेरी डायनामिक एंटिटी इन वन इकोसिस्टम. लेकिन किसी भी इकोसिस्टम में सिंगल वन टू थ्री फूड चेन्स एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं. एक्चुअली देर आर सेवरल फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे आर मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी विच इज कॉल्ड एज फूड वेब. Food web is more dynamic, is more complex in an ecosystem as compared to the food chains. इसके बावजूद भी food web एक ecosystem का एक बिल्कुल tiny सा एक part है, because ecosystem is a bigger entity of which is present in a biome. तो food web is only representing a small portion of that ecosystem. तो एक ecosystem is actually contains several food webs. एक classical example food web की that is on this image. और इस image में हम देख सकते हैं कि there are different species and these different species are interconnected with each other. Actually ये different food chains हैं जो कि एक दूसरे के साथ interact कर रही हैं. For example, this is example of one food chain. इस food chain के अंदर there is a primary consumer which is corn. और इस food chain का sequence है corn से grasshopper and then frog and then snake which is python and then eagle. So this is one food chain. This is another food chain and it starts from the producers again, eaten by the butterflies and then dragonfly, thrushes, eaten by the eagle. Lekin agar hum isme iske alawa bhi yahan pe jo hai wo do aur teen food chains jo hai wo aur bhi show hui hain is food web ke andar. Lekin agar hum sirf ek apex predator ke upar focus kare which is eagle, तो ईगल इज ईटिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फूड. ये सिर्फ थ्रश को ही नहीं खा रहा बल्कि इसके अलावा इट इज ईटिंग फ्रॉग, वोल्व्स, रैट्स, पाइथन. सो देर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फूड विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स. तो इस शक्ल में ये फूड वेब जो कि एक बहुत इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क बन गया है, और इसका बेनिफिट जो है वो ये नजर आ रहा है कि डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट फीडिंग लेवल के ऊपर एक से ज्यादा फूड सोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं. ये मल्टीपल सोर्सेज पर डिपेंडेंस दैट इज एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ अ फूड वेब, जो उस इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में, सस्टेन रखने में हेल्प आउट करता है. फूड चेन की तरह फूड वेब या रिमेनिंग जो से पहले भी हमने डिस्कस किए थे कि किसी भी इकोसिस्टम के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और कंज्यूमर हैं दे आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय अ फीडबैक लूप. उसी तरह से ही फूड वेब को रेगुलेट रखने के लिए, इसके डिफरेंट सीक्वेंसेज और ट्रॉफिक लेवल पर पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल में रखने के लिए एक सिस्टम काम कर रहा होता है एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम. ये सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसोर्सेज और कंजप्शन के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस एग्जाम्पल को फॉलो करें, यहां पर ग्रासेज आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर विच इज डियर, डियर इज ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर विच इज लाइन. तो एक्चुअली लाइन इज इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन साइज ऑफ ग्रासेज. वो कैसे? जैसे कि लाइन इज फीडिंग ऑन द डियर, तो इसकी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं. और इसकी पॉपुलेशन को, जब डियर की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल होती है या वो कंट्रोल से नीचे जाकर उसको कुछ रिड्यूस कर देता है ओवर प्रीडेशन की वजह से, तो उस प्रीडेशन की वजह से ग्रासेस की ओवर ग्रेजिंग रुक जाती है या हम कह सकते हैं कि वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है और ग्रासेस को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो ग्रो कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकें, बिकॉज उनको उन पर फीड करने वाला प्राइमरी प्रोड्यूसर उसका नंबर, पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होता जा रहा है बाय द एक्टिविटी ऑफ लाइन. सो लाइन इज इनडायरेक्टली इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर. सिमिलरली डियर की पॉपुलेशन डायरेक्टली लाइन की पॉपुलेशन को रेगुलेट कर रही है. जितने ज्यादा साइज होगा, पॉपुलेशन साइज डियर का ज्यादा अवेलेबल होगा उस इकोसिस्टम में, उस हैबिटेट में, तो वहां पे अल्टीमेटली प्रेडेटर का पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है. तो दैट इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टू ट्रॉफिक लेवल्स ऑन ईच अदर. तो इस तरीके से कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम फूड वेब में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर पॉपुलेशन साइज को रेगुलेट करके रखते हैं. ये एक ऐसा एक नेट इफेक्ट जनरेट होता है जो कि एक पूरे फूड चेन में और फूड वेब में पास करता हुआ, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से पास करता हुआ, टॉप प्रेडेटर और बॉटम पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में फ्लो कर रहा होता है.
तो इस तरह से एक चेन या एक कैस्केड डेवलप होता है जिसको हम ट्रॉफिक कैस्केड कहते हैं. सो ट्रॉफिक कैस्केड इज एक्चुअली अ पावरफुल इनडायरेक्ट इंटरेक्शंस विच आर कंट्रोलिंग द एंटायर इकोसिस्टम. सो एट अ स्मॉलर लेवल इट इज कंट्रोलिंग फूड चेन एंड देन फूड वेब एंड देन इट इज कंट्रोलिंग एन इकोसिस्टम. इसका कंट्रोल सप्रेशन है. किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऊपर अगर पॉपुलेशन साइज स्प्रेस हो जाए बाय डिफरेंट फैक्टर्स, ये कुछ भी हो सकते हैं, दैट कुड बी सर्टन क्लाइमेटिक फैक्टर, टेम्परेचर का ज्यादा हो जाना, पानी का कम हो जाना, प्रेडेशन का ज्यादा हो जाना, या टोपोग्राफिक में कोई ऐसे चेंजेस आ जाएं कि एनिमल को शेल्टर के लिए जगह ना मिल सके. तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो किसी एक ट्रॉफिक लेवल पर उस पॉपुलेशन साइज को स्प्रेस कर दे, तो ये आने वाला एक इफेक्ट पूरी फूड चेन और फूड वेब में ट्रांसमिट हो जाता है. एंड देखते हैं कि कैसे इसकी ट्रांसमिशन होती है. रिमूवल ऑफ टॉप प्रीडेटर दे कैन अल्टर द होल फूड वेब डायनामिक्स. इसको हम एक टू कैटेगरीज में ट्रॉफिक कैस्केड को डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट इज टॉप डाउन इफेक्ट एंड द अदर वन इज बॉटम अप इफेक्ट. टॉप डाउन इफेक्ट टॉप से नीचे की तरफ, किसी भी फूड चेन में टॉप से नीचे की तरफ ट्रांसमिट होता है. जैसे कि अभी हमने कहा कि इसमें जो ट्रॉफिक कैस्केड्स हैं वहां पे टॉप प्रेडेटर को अगर आप रिमूव कर दें तो आपकी पूरी फूड चेन और फूड वेब जो है उससे अफेक्ट होगा. सो फॉर एग्जांपल एपेक्स प्रेडेटर की रिमूवल का रिजल्ट जो है वो टॉप से लेकर बॉटम तक प्राइमरी प्रोड्यूसर तक ट्रांसमिट होता है. बॉटम अप इफेक्ट इज ऑपोजिट टू टॉप द टॉप अप इफेक्ट. सो बॉटम अप इफेक्ट में जो फ्लो होगा उस कंट्रोल का, उस रेगुलेशन का, वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम द बॉटम टू अपवर्ड. तो वो प्रोड्यूसर से एपेक्स प्रेडेटर की तरफ ट्रांसमिट होता है. दिस इज द वन एग्जांपल के टॉप डाउन इफेक्ट में. दिस इज वन इकोसिस्टम. इस इकोसिस्टम के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं. द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज अ प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर इन अ फॉर्म ऑफ एल्गी. एल्गी इज ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस इंसेक्ट्स. And these herbivorous insects are eaten by secondary consumer, which is damsel nymphs, damsel fly nymphs. So in case कि अगर damsel fly nymph का predator available ना हो उस ecosystem में या वो present नहीं है, which is in this example is the fish. So if there is no fish in that ecosystem, in that case damsel fly nymph की population increase कर जाती है. जब इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो वो रिसोर्सेज जिनके ऊपर डैम्सल फ्लाई नेम्स डिपेंड कर रहे हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे. तो उनका पॉपुलेशन साइज, हर्बीवोरस इंसेक्ट का पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हो जाता है. इनका साइज रिड्यूस होने से जिस ट्रॉफिक लेवल पर ये फीड कर रहे हैं, विच इज एल्गी, दे वुड गेट अ चांस टू ग्रो फर्दर. सो हियर वी कुड सी के हर्बीवोरस इंसेक्ट का पॉपुलेशन साइज कम होने की वजह से एल्गी का पॉपुलेशन साइज इन्हेंस कर जाता है. लेकिन अगर इसी इकोसिस्टम में हम टॉप पर एक प्रेडेटर ऐड कर दें, तो इन दिस एग्जांपल इफ अ फिश इज एडेड इन दैट इकोसिस्टम, इट विल स्टार्ट फीडिंग ऑन डैम्सल फ्लाई नेम्स. सेकेंडरी कंज्यूमर का पॉपुलेशन साइज रिड्यूस होने की वजह से प्राइमरी कंज्यूमर का पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होने का चांस मिल जाता है. तो इन दैट केस हर्बीवोरस इंसेक्ट पॉपुलेशन साइज वुड इंक्रीज. जब ये इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली दे हैव टू फीड ऑन एल्गी और उसके रिजल्ट में एल्गी की पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाती है. तो ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कि फिश से सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और फिर प्रोड्यूसर्स तक ट्रांसफर होता है. तो इस टाइप के कैस्केड को, ट्रॉफिक कैस्केड इफेक्ट को टॉप बॉटम इफेक्ट कहते हैं. सेकेंड कैटेगरी जो कि बॉटम अप इफेक्ट है, इसमें ट्रॉफिक कैस्केड बॉटम से शुरू होगा और टॉप लेवल तक ट्रांसमिट होता है. फॉर एग्जांपल यहां पर बॉटम पे जो प्रोड्यूसर है, विच इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, दीज आर डाई एटम्स जो कि एक एल्गी की एक फॉर्म है. तो इनिशियली दीज डाई एटम्स उस इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक चेन बन रही है, डाई एटम्स आर ईटन बाय दीज लार्वी विच आर एक्चुअली श्रिम्प्स, श्रिम्प लार्वी एंड द श्रिम्प एडल्ट्स. And these shrimps, they are eaten by carnivorous fishes. So we have three trophic levels: producer, primary consumer, secondary consumer. So, agar is ecosystem mein diatom ki population is initially low, aur gradually
वो उस इकोसिस्टम के साथ, उसके क्लाइमेटिक इफेक्ट्स के साथ, अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ एडजस्ट करते हुए ग्रो करती है। जब इसकी एक पॉपुलेशन साइज एक इक्विलिब्रियम तक पहुंचते हैं तो ये सपोर्ट करता है कि श्रिम्प की पॉपुलेशन भी इंक्रीज करना शुरू हो जाए। श्रिम्प की पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो इफेक्ट आएगा दैट वुड बी ऑन पॉपुलेशन ऑफ डायटम्स। जैसे जैसे श्रिम्प की पॉपुलेशन इंक्रीज करी है, डायटम की पॉपुलेशन कंपेरेटिवली स्टेबल हो जाती है। बजाय इसके कि वो इंक्रीज करती, वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगी बिकॉज श्रिम्प्स आर यूटिलाइजिंग दीज डायटम्स एज देयर फूड। तो उसके साथ साथ क्योंकि श्रिम्प की पॉपुलेशन इंक्रीज करी है, एट सेम स्टेज श्रिम्प का जो प्रेडेटर होगा उसकी पॉपुलेशन साइज भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से एक इफेक्ट जनरेट होना शुरू हो गया फ्रॉम बॉटम टू द अप, जो कि एपेक्स प्रेडेटर है इस एग्जाम्पल के अंदर। जैसे जैसे फिशेज का साइज पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करता है, दे फीड मोर ऑन श्रिम्प्स और श्रिम्प की पॉपुलेशन जो होगी वो स्टेबल हो जाती है और कर्व जो है वो कंपेरेटिवली स्टेबल नजर आना शुरू हो जाता है। श्रिम्प की पॉपुलेशन बिकॉज इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द कार्निवोरस फिशेज, तो उनकी पॉपुलेशन साइज कम होने की वजह से या स्टेबल होने की वजह से नीचे डायटम्स की पॉपुलेशन को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उनका पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाए। इस तरह से बॉटम पर मौजूद स्पीशीज और द प्राइमरी प्रोड्यूसर दे कैन ट्रांसमिट और दे कैन रेगुलेट दोज ट्रॉफिक लेवल्स विच आर प्रेजेंट अबव देम, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस इफेक्ट को जो कि बॉटम से एपेक्स प्रेडेटर तक ट्रांसमिट होता है दिस इज कॉल्ड एज बॉटम अप इफेक्ट। ट्रॉफिक कैस्केड्स डिफरेंट ग्रुप्स पे उस इकोसिस्टम में मौजूद जो इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स हैं वहां से इनका इफेक्ट ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में जिसमें कि स्पीशी लेवल कैस्केड है, यहां पर जो इफेक्ट की ट्रांसमिशन होगी वो स्पीशीज की पॉपुलेशन में आने वाले किसी भी चेंजेस की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशी का एक पॉपुलेशन विच इज प्रेजेंट इन दैट हैबिटेट, इट इज सप्रेस्ड बाय एनी क्लाइमेटिक फैक्टर, इट इज सप्रेस्ड बाय अ बायोलॉजिकल फैक्टर, तो ये उस पूरी फूड वेब को इफेक्ट करता है। तो स्पीशी लेवल पे आने वाले चेंजेस कम्युनिटी को अफेक्ट करेंगे और कम्युनिटी जो है वो पूरे इकोसिस्टम में मौजूद सारे फूड वेब्स में एक इफेक्ट जो होगा उसको ट्रांसमिट कर देती है। तो यूं किसी एक भी लेवल पर, एक ट्रैफिक लेवल पर भी अगर सप्रेशन आती है तो उससे बैलेंस जो होगा ट्रॉफिक लेवल्स का या ट्रॉफिक कैस्केड जो होगी वो ट्रांसमिट होना शुरू होती है और वो एक्सटेंड होते होते उस पूरे फूड वेब में ट्रांसमिट हो जाती है। तो सिमिलरली इन दिस वे एक इकोसिस्टम एक ट्राइज इट बेस्ट कि वो अपने रिसोर्सेज को और अपने कंजप्शन को वो बैलेंस रखे, पॉपुलेशन साइज को बैलेंस रखा जाता है और इस तरह से एक डिवाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एक बैलेंस मेंटेन रहेगा और ट्रॉफिक कैस्केड्स का नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस कर एक रिकवरी की फेज में चला जाएगा।